नारचम टेंडर प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी के मामले की जांच पहुंची बीजेपी तक। अजीत सोनी के बीजेपी से जुड़े तार, बीजेपी मीडिया प्रकोष्ठ कार्यकारिणी में है सोनी। आईएएस नीरज के पवन के लिए दी थी दलाली, दोनों की जल्द हो सकती गिरफ्तारी। सीकर के फतेहपुर आबकारी थाना इंचार्ज रिश्वत लेते गिरफ्तार। झुंझुनू एसीबी ने सतीश कुमार को 81,000 रुपए लेता किया गिरफ्तार। अवैध रूप से वसूली की मिली थी शिकायत। जेलन अस्पताल में अब हर मौत की होगी ऑडिट, चिकित्सा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने की घोषणा। जेलन अस्पताल के निरीक्षक के लिए निरीक्षण के लिए आए थे मुकेश शर्मा। अनंतपाल के गुर्गे सुभाष बराला की हुई कोर्ट में पेशी, 3 दिन के लिए मिली पुलिस रिमांड, पूछताछ में खुल सकता है कई और राज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरने से जुड़े मामले में आया नया मोड़, सहमति से संतुष्ट नहीं है कार्यकर्ता। आगे की रणनीति को लेकर बनाई गई रणनीति, कुछ मांगों को लेकर कल शाम बनी थी सहमति। जयपुर में कल से स्कूल खुले तो होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। 15 मई से शुरू हो चुकी है गर्मी की छुट्टियां, इसके बावजूद कई स्कूल संचालकों की जारी है मनमानी। प्रदेश में रिफाइनरी के मामले में आज सरकार और एचपीसीएल के बीच होगी बैठक, 3 साल पुराने मुद्दे पर आज होगी बात। रिफाइनरी के लिए जमीन, पानी, बिजली को लेकर होगी चर्चा, केंद्र के निर्देशों पर हो रही है बैठक। बीट 2015 के परिणाम आज हो सकते हैं जारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी कर सकता है परिणाम, कल तकनीकी खराबी की वजह से नहीं आया था रिजल्ट। कोटा के प्रिंस हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हत्याकांड के मास्टरमाइंड को कोटा पुलिस ने भोपाल से किया गिरफ्तार। गिरफ्तार छात्रों को 2 दिन का पुलिस रिमांड। नागौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पति ने कुल्हाड़ी से की पत्नी और 2 बच्चियों की हत्या, गृह कलेश के चलते दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने आरोपी पति को लिया हिरासत में।